देखिए यहाँ पे जो है ना कंटिन्यू बारिश गिर रही है, अच्छी खासी तेज बारिश है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाय, ब्रह्मा आजकल बहुत शर्माता है ना, वीडियो में पहले बहुत बात करता था, बड़ा हो गया तो शर्मीला हो गया। इधर देखो, से हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आज आप स्कूल क्यों नहीं गए बताओ तो सबको बोलो। सो फ्रेंड्स, आज सैटरडे है और हम जा रहे हैं डी मार्ट, और ब्रह्मा स्कूल नहीं गया है, वर्षा और आशीष गए हैं। वैसे एक्चुअली इनका सैटरडे स्कूल लगता भी नहीं है, और लेकिन दो हफ्ते से लग रहा है, कल्चरल एक्टिविटी और कुछ प्रोग्राम्स थे, तो ब्रह्मा जो है ना बहुत स्कूल के टाइम पे रोने बैठ गया और नहीं गया है। तो हम जा रहे हैं अभी डी मार्ट, और बस सैटरडे है तो डी मार्ट से जो है ना ग्रॉसरी फिलिंग करनी है, सामान लेके आना है। और आज ना डीमार्ट में ब्रह्मा ने फुल लॉन एंजॉय किया, पूरी जो शॉपिंग में ना मुझे ग्रोसरी की हेल्प की, और आज ऐसा लग रहा था कि ढेरों सारे बच्चे डीमार्ट में आए हुए थे। इत्तेफाकन ब्रह्मा की एज के आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे जो है ना हर कॉर्नर में मुझे ना बच्चे दिखाई दे रहे थे आज डीमार्ट में। सो ये एक इत्तेफाक था कि सब बच्चे जो है ना डीमार्ट में हमें आज दिखे, और ब्रह्मा ने फुल जो दालें और सब कुछ होते ना पैकेज पे भरने में मुझे हेल्प की। और मैं जनरली जो ना यहाँ से जो लूज दालें लूज शक्कर वगैरह होती है ना वो लेना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज इसमें और जो डीमार्ट के पैक्ड आइटम होते हैं ना उनमें प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होता है। जनरली इसमें जो है ना आपका वैरायटी जो क्वालिटी होती है उसमें उतना मेजर डिफरेंस नहीं होता है, माइनस 19-20 का फ़र्क होता है, बट मेजर फर्क नहीं होता, बट प्राइस में अच्छा खासा फ़र्क होता है। तो बस मेरी सारे जो चीज़ें थी ना मैंने सब कुछ खरीद लिया, जो भी मुझे चाहिए था, पोहा सब दालें शक्कर वगैरह, और बस आगे और शॉपिंग करते हैं। तो ब्रह्मा जो है ना अभी भी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें पैक करने में मुझे जो ना हेल्प कर रहा है। और आगे ना आपको एक बहुत ही नई चीज़ दिखाती हूँ, तो मैंने भी पहली बार ही देखी थी ऐसा पैक, ये ना इमली है, और आप देखिए किस तरीके से इसे जो ना पैक किया गया है, ऐसे राउंड सी जो है ना इमली की एक रोटी काइंड ऑफ जो है ना स्ट्रक्चर दिया गया था, ऐसे इमली की एक एक ऐसे क्या बोलूँ शीट बोलूँ या जो भी। तो मैंने जो ना ये एक राउंड पीस ये ख़रीदा, इसका वेट ऑलमोस्ट जो है ना अराउंड 400 ग्राम के आसपास कुछ था। तो बस सारी ग्रॉसरी की शॉपिंग मेरी डीमार्ट की हो गई, और हम चले वापस घर, और घर आते जो ना टाइम हो चुका था 3:35, तो हमने जो ना लंच वगैरह बिल्कुल न खाया था न पकाया था। मैं जो ना आते साथ यहाँ पे थोड़ा सा जो ना मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना रही थी जल्दी से प्रेशर कुकर में, ताकि जो ना जल्दी से एक विजल में कुक हो जाए पुलाव और हम जो ना अपना लंच ले सके। टाइम अच्छा खासा हो चुका था, हस्बैंड को मुझे ब्रह्मा को जो ना भूख लगी थी, आशीष और वर्षा का भी जो ना स्कूल से आने का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर जो ना मैंने वेजिटेबल पुलाव चढ़ा दिया, और आज मैंने जो डी मार्ट से कुछ एक दो अपने लिए टी शर्ट्स खरीदी, मैं आपको आगे दिखाती हूँ इस ब्लॉग में कि मैं क्या क्या लेकर आई डी मार्ट से। सारी जो मेरी शॉपिंग थी ना ग्रॉसरी की वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बट हाँ जो मैंने कुछ एक अलग चीज़ें ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक टी शर्ट ली है, घर के डेली यूज़ के हिसाब से ली है मैंने, डी मार्ट में जो है ना ये
₹100 99 ऐसे जो है ना इस प्राइस में मिलती है ये टी शर्ट्स, और वाकई बहुत अच्छी रहती है। लास्ट टाइम जब राखी दीदी आई थी ना तो वो भी जो ना ये सारी टी शर्ट्स की बहुत सारी शॉपिंग करके गई थी, और तब से मेरा भी मन था कि कुछ टी शर्ट्स घर के लिए लूँ। और ये मैंने ना एक हेड टॉवल लिया है, मेरे पास एक ही हेड टॉवल है ग्रे कलर का, जो कि वर्षा और मैं दोनों यूज़ करते हैं, तो बस जिस दिन दोनों एक साथ हेड वॉश करते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये जो मैंने दो कप लिए थे हस्बैंड और मेरे लिए चाय के लिए, और ये तीन कप मैंने जो ना बच्चों के लिए लिए, जो कि है काफ़ी रिजनेबल तो थे बट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ₹29 के ये तीन कप है। क्वालिटी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट वॉश में ही जो ना इसमें से एक कट का जो है ना कड़ा निकल गया। और ये ट्रे थी तो ₹199 की, बट उसमें एक टेबल पे कुछ सामान रखे हुए थे डीमार्ट में जो कि 50% ऑफ थे, तो मुझे ₹100 पे ये ट्रे मिली। तो बस ये कुछ चीज़ें मैंने खरीदी डीमार्ट से, बाकी जो रेगुलर ग्रॉसरी होती है वही, तो ग्रॉसरी का तो पूरा डिटेल मैं आपको नहीं दे रही हूँ बिकॉज सब चीज़ें रेगुलर की ही हैं। और बस अब जो है ना हम पियेंगे हमारी शाम की गर्मा गर्म चाय, और खाना जो ना हमने खा लिया जो पुलाव मैंने बनाया था ना वो, और बस चाय पीते पीते जो है ना मैं थोड़ा सा ये बिल वगैरह को रिव्यू कर रही थी। और सैटरडे का टाइम है तो बस शाम की जो है ना मैंने दिया बत्ती की, और उसके बाद हम चले गए अपने आश्रम श्री गुरुनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और सैटरडे संडे इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है ना हैदराबाद में, फुल ऑन जो है ना नॉन स्टॉप यहाँ पे रेन चली है, और उसकी वजह से जो है ना मंडे को यानी कि आज बच्चों का जो है ना स्कूल की छुट्टी दी गई है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है। तो जब हम गए ना आश्रम तब तो उतनी बारिश नहीं थी, बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, बट वापसी में आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि संडे मॉर्निंग का ये वीडियो है। तो हस्बैंड जो है ना बच्चों के लिए बना रहे हैं, दो से टाइम हुआ है यहाँ पे 10:30। हम जो ना सब लोग बहुत आराम से उठे और सब लोग जो है ना सब फुल ऑन सुस्ती के मूड में थे क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पे जो ना कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो सबको सुस्ती हो रही थी। मैं जो है ना शॉवर ले रही थी, मुझे शैम्पू करना था वर्षा का भी और अपना भी, तो हस्बैंड जो है ना जब तक डोसे वगैरह बना रहे थे बच्चों के लिए बिकॉज बच्चों को जो ना भूख लग रही थी, टाइम 10:30 के करीब हो चुका था। तो बस और आशीष और ब्रह्मा जो है ना अपनी अपनी डिमांड करने लगे पापा से कि पापा मुझे पनीर वाला डोसा चाहिए, मुझे शेजवान डोसा चाहिए, तो वो सब जो ना हस्बैंड इनकी चॉइस के हिसाब से इनके जो ना डोसे बना रहे थे। तो मीनवाइल जो है ना वर्षा और मैंने जो है ना अच्छे से शैम्पू करके नहा लिया, और बस उसके बाद जो है ना बाकी की आगे का किचन मैं संभालूंगी बिकॉज हस्बैंड जो है ना थोड़ा बहुत साइड में मुझे संडे को हेल्प कर देते हैं जब उनको टाइम होता है। तो सिंपल से पोहे डोसे और ज़्यादा तो कुछ उन्हें नहीं आता है, बट हाँ काफ़ी जैसे ब्रेड सेकना वगैरह कुछ कुछ चीज़ों में जो ना मुझे एक काफ़ी हेल्प हो जाती है वीकेंड पे, क्योंकि वीकेंड पे बाकी की भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ काम हमें ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो ना वर्षा और मेरा दोनों का शैम्पू हो गया, और हस्बैंड जो ना आशीष का चीज़ डोसा बना रहे हैं, और मैं यहाँ पे साइड में जो ना चढ़ाऊँगी हमारे लिए चाय गर्मा गर्म। यहाँ पे जो ना डोसे का ये बैटर रेडीमेड ही था, मैंने घर पे तो नहीं बनाया था, दो दिन पहले मैंने जो ना मंगाया था ऑनलाइन पे, तो आधा पैकेट कंज्यूम हो चुका था और आधा पैकेट बचा हुआ था, तो बस उसी से जो है ना हस्बैंड बच्चों के लिए डोसे बना रहे हैं। ज़्यादा नहीं, कुछ 6-7 डोसे, 5-6 डोसे कुछ ऐसे बने थे, तो बच्चों के लिए तो हो गया ब्रेकफास्ट पूरा, बट हस्बैंड और मेरे लिए जो ना ये बैटर बचा नहीं था, तो मैंने जो ना
चाय के साथ बाद में फिर फिलहाल ब्रेड और बटर सेक लिया था, क्योंकि हमें भी ना जो ना लग रही थी अच्छी खासी तेज़ भूख, और बिल्कुल पेशेंस नहीं था, टाइम नहीं था कि कुछ और बनाए और खाए, तो ब्रेड रखी हुई थी तो बस ब्रेड को ही जो ना तवे पे सेक के बटर लगा के और ब्रेड और चाय का आनंद लिया। और बस ये लास्ट डोसा आशीष का बन रहा था जिसमें हस्बैंड उसकी चॉइस की पनीर चीज़ वगैरह सब कुछ ऐड कर रहे हैं, बिकॉज आशीष एज़ यू ऑल नो कि वो जो है ना प्लेन डोसा खाता नहीं है बच्चा, तो उसके लिए ना कुछ कुछ वैरायटीज़ ज़रूर से डोसे में जाती है, कुछ कुछ क्या ढेरों सारी कुछ कुछ चीज़ें वो ऐड करवाता है, शेज़वान सॉस पनीर चीज़ वगैरह। और यहाँ जो है ना वीकेंड में इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, जिसकी वजह से सारे स्कूल कॉलेज ऑफिसेस सब कुछ बंद डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि काफ़ी एरिया में जो है ना पानी की वजह से फिर ट्रैफिक जैम और काफ़ी ना दिक्कतें हो जाती है। हमारे तो बाजू बिल्डिंग में जो है ना एक काफ़ी बड़ा सा ट्री भी जो है ना हवा के झोंके में आके जो है ना गिर गया, तो और आज मंडे मॉर्निंग जैसा कि ना सुबह से करंट भी नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, काफ़ी जो है ना बारिश की वजह से गड़बड़ सी हो रखी है हैदराबाद में। तो बस हमारा जो है ना ये ब्रेड बटर भी हो गया और हमारी अदरक वाली चाय भी बन गई, तो बस थोड़ी देर जो है ना चाय ब्रेड खाएंगे और आनंद लेंगे हस्बैंड और मैं चाय ब्रेड का, बिकॉज हमारा ब्रेकफास्ट आज यही है। डायरेक्टली मैं जो है ना इसके बाद लंच बना दूँगी जल्दी से, ताकि जो है ना लंच थोड़ा टाइम पर बन जाए। और देखिए यहाँ पे जो है ना कंटिन्यू बारिश गिर रही है, अच्छी खासी तेज बारिश है। बहुत जो है ना तेज हवाएं भी चल रही है और बारिश बहुत ज्यादा है, कल से जो है ना रात से बारिश चल रही है, बिल्कुल बंद होने का नाम नहीं हो रही बारिश। और कपड़े मैंने ना इस तरीके से अंदर सुखाए हुए हैं, बिकॉज बालकनी भी फुल भरी हुई है कपड़ों से और जगह बिल्कुल नहीं है कपड़ों के लिए। ये बारिश में ना कपड़े नहीं सूखते, बड़ी एक समस्या हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं लंच, और लंच में आज मैं बनाऊंगी छोले की सब्जी, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक तरीके से जो है ना ये छोले मसाले बनते हैं। इससे सरल विधि तो आई डोंट थिंक सो होगी छोले बनाने की, क्योंकि बहुत ही लाइक सिंपलीसिटी के साथ बनते हैं और बहुत ही क्विकली ये वाली रेसिपी बनती है, प्लस टेस्टी भी बहुत बनती है। तो मैंने जो ना छोले फ्रिज पे रखे थे भिगा के, क्योंकि ये छोले ना फ्राइडे नाइट को भिगाए थे, सैटरडे को बनाने का था प्लान पर डीमार्ट वगैरह चले गए, तो फिर सैटरडे को जो ना मैं नहीं बना पाई थी, तो फ्रिज में रख दिए थे ये भिगे हुए छोले। और बस अब मैं जो ना छोलों के लिए टमाटर प्याज वगैरह सब सब्जियाँ निकाल रही हूँ और आपके साथ जो ना शेयर करती हूँ बहुत ही सिंपल वे ऑफ मेकिंग छोले मसाला इन अ प्रेशर कुकर। तो यहाँ पे जो ना मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और तीन चार मीडियम साइज़ के टमाटर और हरी मिर्च, थोड़ी सी लहसुन चार छः कली और एक इंच अदरक का टुकड़ा। तो बस सभी चीज़ों को जो ना छील के अच्छे से मैं पहले धो लूँगी और उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में इसका बनाएंगे हम पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे दो हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा, छः आठ कली लहसुन की, दो प्याज और चार
टमाटर, इन्हें जो है ना मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के इसका जो है ना बनाएंगे फाइन सा पेस्ट। और जो हरी धनिया के स्टेम होते हैं ना, डंठल होती है ना, जो वो डंठल भी मैं इसमें थोड़ी सी डालूंगी, उससे जो ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी में। तो अगर आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने जो ना इसकी फाइन सी पेस्ट रेडी कर ली और अब हम बनाएंगे सब्जी। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है मैंने, और प्रेशर कुकर में एक बड़ा चम्मच भर के मैंने लिया है सरसों का तेल। और जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो मैंने जो ना यहाँ पे खड़े मसालों में लिया है एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच मैंने इसमें डाला अजवाइन। अजवाइन से जो ना डाइजेस्टिव भी होते हैं छोले, और जो है ना अच्छे टेस्टी भी बनते हैं। एक मैंने काली इलायची ली है, दो लौंग ली है मैंने यहाँ पे, और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है यहाँ पे, और ये कुछ चार छः काली मिर्च ली है, खड़ी काली मिर्च, और दो तेज पत्ते। इन सभी मसालों के बाद मैंने जो है इसमें दो चुटकी के करीब डाल दी हींग, और इन्हें जो ना थोड़ा सा हमने एक 10 सेकेंड थोड़ा सा अच्छे से तड़कने दिया। और उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार की है प्याज टमाटर अदरक लहसुन वाली, वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये पेस्ट डालते ही आप जो ना थोड़ा सा इसे ढक दीजिए, क्योंकि इसके देखिए काफ़ी सारे जो ना छींटे आने लगते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर ढक के हम जो है ना ढक्कन हटाएंगे, और इसे जो ना हमें भूनना है अच्छे से, जब तक पूरी जो है ना ये क्वांटिटी में सूख नहीं जाती और इसका जो है ना ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। इसे भूनने में बस आपको जो है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज ये पूरी रेसिपी बहुत ही क्विक और बहुत ही जो ना सिंपल तरीके से बन के तैयार होती है। आप देखेंगे ये जैसे जैसे प्याज टमाटर भूनते जा रहा है इसका कलर भी चेंज हो जाता है, और इसकी जो ना क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। आपको जो ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेना है। इसे भूनते भूनते लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, इसकी क्वांटिटी भी जो ना काफ़ी जो है ना कम हो गई है। अब हम क्या करेंगे ना, गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पे जो ना आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है, और एक चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया का पाउडर डाला है, और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच मैंने तीखा वाला लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और एक चम्मच मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ जीरा का पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार। इन सभी मसालों को जो ना आपको स्लो फ्लेम पे अच्छे से यहाँ पे भून लेना है, ताकि जो ना मसालों की खुशबू और रंगत दोनों सब्जी में ग्रेवी में बहुत अच्छे से आ जाए। बस गैस का फ्लेम आप ध्यान रखिएगा, मसाले जैसे ही आप डालते हैं तो गैस का फ्लेम आप स्लो पे कर दीजिएगा, और आप चाहे तो इसमें जो है ना 5-6 चम्मच पानी डाल के और पानी के साथ इसे भून लीजिए, ताकि जो ना मसाले जले ना। तो मैंने थोड़ा पानी यहाँ पे डाल दिया और इन्हें जो ना अच्छे से भून लिया, और भूनने के बाद आप देखेंगे कि ना इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया, और काफ़ी जो है ना खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आती है, क्योंकि हमने सभी मसालों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भून के रेडी किया है। और इसे भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे छोले हमने भिगा के रखे थे इस तरीके से। फ्रेंड्स एक बार आप ज़रूर से ये छोले की सब्जी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। जनरली हम मोस्टली जो लोग करते हैं पहले छोले को बॉईल कर लेते हैं एंड देन बाद में ग्रेवी वगैरह बनाते हैं। आप इस प्रक्रिया से यदि बनाते हैं छोले की सब्जी तो आपका जो है ना काम एक ही बार में हो जाता है, अलग अलग आपको बॉईल करना ग्रेवी करने का काम जो है ना नहीं होता। छोले डालने के बाद हम जो है ना इन मसालों के साथ छोले को ज़्यादा नहीं 2 मिनट थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो ना अच्छा मसालों का पूरा प्रॉपर एक फ्लेवर छोलों में आ जाए। और उसके बाद जो है ना आपको इसमें डालना है पानी, मगर पानी आप जो ना गर्म पानी डालिएगा, ठंडा पानी आप बिल्कुल मत डालिएगा, अदरवाइज जो ना कुकिंग प्रोसेस तो स्लो होती ही है बट टेस्ट में भी जो है ना फ़र्क आ जाता है। तो आप जो है ना इसमें इस स्टेज में डाल दीजिए गर्म पानी, और लाइक आपको छोले किसके साथ खाने हैं, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, या फिर राइस के साथ, उस हिसाब से आप जो है ना पानी इसमें डालिए। मुझे छोले चावलों के साथ इस्तेमाल करने थे तो मैंने जो है ना पानी थोड़ा ज़्यादा डाला। आप अगर पूड़ी के साथ बना रहे हैं तो आप जो है ना थोड़ा पानी कम भी डाल सकते हैं। पानी डाल के जो है ना आप इसे मिक्स कर लीजिए, कंसिस्टेंसी पानी के हिसाब से आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। और अब जो है ना हम इसमें डालेंगे भुनी हुई कसूरी मेथी क्रश करके, कसूरी मेथी मस्ट है, उससे जो है ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर फॉर्म होता है। और एक चम्मच मैंने इसमें जो है ना छोले मसाले डाल दिए, और बस अब जो है ना आपको इसे विजल दिलानी है। विजल जो है ना आपको इसे
फुल फ्लेम पे दो विजिल एंड देन उसके बाद स्लो फ्लेम पे दो विजिल दिलानी है, और बस चार विजिल में जो है ना ये परफेक्ट छोले मसाले की जो है ना सब्जी बन के तैयार होती है, और बहुत ही जो है ना लाजवाब सा इसका स्वाद होता है। तो जब तक छोलों को जो है ना विजिल आएगी तब तक जो है ना मैंने चावल भी चढ़ा दिए साइड बाय साइड, मैंने ना प्रेशर कुकर में चावल धो के भिगा के रखे थे, तो बस उसे भी जो है ना मैं सीटी दिला दूंगी। तो जब तक छोले और चावल को जो है ना विजिल आ रहा है, मैं जो है ना अपना डीमार्ट का ये ग्रॉसरी का जो बैग्स वगैरह इसे भी जो है ना खाली करके और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूंगी। पूरी डिटेल तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बस बेसिक ग्रॉसरी मैंने खरीदी है जो वही है, तो बस ये सारी चीज़ों को मैं प्रॉपर अपने प्लेस पर ऑर्गेनाइज कर दूँगी जब तक जो है ना इन्हें विजिल भी आ जाएगी और लंच भी रेडी हो जाएगा। और आजकल ना मैंने घर की जो आटा होता है ना रोटी के आटे में ना मिलावट शुरू कर दी है। कौन सी मिलावट शुरू की मैं आपको बताती हूँ, मैं पिछले 2 महीने से जो है ना गेहूं के आटे में कुछ ना कुछ मिला देती हूँ। मैंने लास्ट मंथ गेहूं के आटे में बेसन मिलाया था, और इस मंथ जो है ना मैं गेहूं के आटे में रागी का आटा मिक्स कर रही हूँ। तो मैंने एक वीडियो देखा था कि आप जो ना अपने रेगुलर आटे का न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा सकते हैं उसमें थोड़े से कुछ न्यूट्रिशन चीज़ें डाल के, जिसमें से है एक तो रागी का आटा, एक आपका बेसन का आटा। सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिक्स करनी होती, कोई भी एक चीज़ जो ना आप गेहूं के आटे में मिक्स कर दीजिए। तो 2 महीनों से मैंने ये टेक्निक अपनाई है। बेसन के आटे को भी मैंने लास्ट मंथ में ऐड किया था, मैंने 5 kg आटे के पीछे जो है ना 1 kg बेसन ऐड कर दिया था और उसे मिक्स कर दिया था। दिस टाइम मैंने जो है ना 5 kg के आटे में ना 1 kg रागी का आटा मिक्स कर दिया है। हल्का सा रोटियों का कलर रागी के आटे से थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बट इसी बहाने जो ना थोड़ा सा रागी का भी कंजम्पशन हो जाता है फैमिली में। ऐसे तो जनरली हमारे घर में एटलीस्ट कोई भी रागी की रोटी या कोई भी रागी माल्ट वगैरह ईजिली नहीं खाता, बट आटे में मिक्स कर देती हूँ ना तो ईजिली जो ना रागी का कंजम्पशन एक हो जाता है। तो बस साइड बाय साइड मेरी ये सारी जो थोड़ी बहुत थी ग्रॉसरी फिलिंग का काम वो भी मैंने कर दिया है, और छोले और चावल दोनों कुक हो चुके हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनी है ये छोले मसाला करी बिल्कुल क्विक वाली प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पे जो ना स्टीम पूरी रिलीज हो चुकी है कुकर की, और चेक कर लेते हैं हमारी छोले की करी, जो कि ट्रस्ट मी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि अलग अलग आपको लाइक छोले बॉयल करना, ग्रेवी भुनना, वो सब अलग अलग प्रोसेस नहीं होती, एक साथ ही जो है ना पूरी की पूरी सब्जी बन के तैयार हो जाती है। और ट्रस्ट मी बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही डिलीशियस ये सब्जी बनती है। एक बार जो है ना आप ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मेरी तरफ से ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, और अपने रिव्यू जो है ना मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। और देखिए यहाँ पे जो छोले ना कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, मस्त से जो ना गल गए हैं, और अब हम इस छोले करी को जो ना देंगे ऊपर से तड़का। तो तड़का के लिए मैंने जो ना तड़का पैन में लिया है 2 छोटे चम्मच घी, और जैसे घी गर्म होगा ना मैं इस पर डालूँगी थोड़ी सी हींग, और थोड़े से मैंने जो ना जिंजर जूलियट लिए हैं, अदरक के लच्छे और ग्रीन चिलीज को सेट कर लिया है, और इसका जो ना तड़का देंगे छोले के ऊपर। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं इस तरीके से छोले, जो है ना हाईली रिकमेंडेड करती हूँ मैं आपको कि आप जो ना बनाइएगा, और बना के जो ना मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि ये तरीके से जब आपने छोले बनाए तो आपको कैसे लगे। ट्रस्ट मी पूरी फैमिली में ना सारे उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, इतने डिलीशियस ये छोले बनके तैयार होते हैं। आप इसे जो ना पूड़ी के साथ खाइए, भटूरों के साथ खाइए, या फिर चावल के साथ, सबके साथ जो है ना इसका कॉम्बिनेशन दी बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। और बस ये था हमारा संडे का स्पेशल लंच, सिंपल से छोले मसाला और जीरा राइस। तो आइए सर्व कर लेते हैं हमारा आज का लंच।
सपोज फ्रेंड्स, ये था मेरा वीकेंड का व्लॉग, मेरा सैटरडे संडे का व्लॉग, और सिंपल सी ये छोले की सब्जी और जीरा राइस। फ्रेंड्स ज़रूर ज़रूर से जो है ना वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपको पसंद आया कि नहीं। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर तो ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।